फ्रेंड्स नमस्कार। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर सा पैटर्न लेकर आई हूँ। बहुत सुंदर बन के आएगा ये। नौ के हिसाब से अपने फंदे लेने हैं। नौ के हिसाब से जैसे नौ फंदे गिन लीजिए, फिर से नौ, ऐसे ही नौ नौ करते जाएंगे। लास्ट में आपके तीन फंदे एक्स्ट्रा होने चाहिए। आपका डिजाइन किसी भी स्वेटर में एडजस्ट हो जाएगा। आइए बनाते हैं इस डिजाइन को। छः सिलाई का हमारा डिजाइन है। छः सिलाई को आपने बार बार ऊपर रिपीट करना है। पहली सिलाई सीधी साइड से बनाएंगे। इस पैटर्न को आप लेडीज़ के स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, बड़ों के स्वेटर में, जेंट्स स्वेटर में भी ये बहुत ही प्यारा सा बन के आता है। एक फंदा उतारा है, यहाँ से हमारा डिजाइन स्टार्ट होता है। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे बुनेंगे। एक, दो, तीन। अब ये जो दो फंदे हैं, नेक्स्ट एक फंदे में तीन बनाने हैं इसमें, और इसमें भी एक के तीन। तो देखें इस तरह से बुनेंगे। एक बुना, लूज रखेंगे हल्का सा, और अब इसी फंदे को बैक साइड से बनाएंगे ऐसे दो, और इसी फंदे को आगे की तरफ से बनाएंगे तीन। तो हमारे यहाँ पर एक फंदे के तीन हो गए हैं, एक, दो, तीन। फिर से इस फंदे को भी तीन बनाएंगे, एक के तीन करेंगे। एक बार बुना, लूज रखेंगे हल्का सा, बैक साइड से बनाएंगे इसी फंदे को, फिर आगे की तरफ से बुनेंगे इसी फंदे को, फिर ऐसे देखें। फिर तीन फंदे हमारे सीधे, एक, दो, तीन। तो ये देखें, एज को छोड़ के हमारा नौ फंदों का डिजाइन है। बार बार रिपीट करेंगे। देखिए इसमें एक उल्टा है, तीन हमारे सीधे हैं, एक का तीन, एक का तीन, फिर तीन फंदे हमारे सीधे। तो देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। यहाँ से लेके यहाँ तक नौ फंदे हैं। यही बार बार आपने रिपीट करना है लास्ट तक। फिर से देखें, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन। अब ये एक फंदे में तीन फंदे बनाने हैं। पहले इस तरह से बुनेंगे एक, फिर इसी फंदे को बुनेंगे दो, फिर बुनेंगे तीन। फिर से देखें, नेक्स्ट फंदे में भी ऐसे ही करना। एक बार बुना, इसी फंदे को बैक साइड से बुनेंगे दो, और ये आगे की तरफ से बुना तीन हो गए। फिर तीन फंदे हमारे सीधे, एक, दो, तीन। ये देखें फिर से हमारे नौ फंदे कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट में एक फंदा उल्टा रहेगा और एक्स्ट्रा फंदा है, इसे सीधा बना लेंगे। ये देखें तो पहली सिलाई जो है कंप्लीट हो चुकी है। रॉन्ग साइड से सेकंड रो ध्यान से देखिएगा। पहला फंदा उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे। पैटर्न हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन। जो हमने एक के तीन फंदे बुने थे इन्हें उतारेंगे बिना बुना ऐसे। नेक्स्ट में ये भी तीन फंदे हैं, उतारेंगे, फिर तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन। अब एक फंदा छोड़ के यहाँ से यहाँ तक हमारा नौ फंदों का पैटर्न है। बार बार यही रिपीट करेंगे। एक सीधा, तीन उल्टे, एक, दो। तीन जो एक के तीन बनाए हैं इन्हें ऐसे बिना बुने ही उतार लेंगे। फिर तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन। धागा पीछे, ऐसे ही बनाते जाएंगे नौ नौ फंदों का डिजाइन। दो फंदे बचेंगे लास्ट में, एक सीधा रहेगा और एज हमारा उल्टा रहेगा। दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। तीसरी सिलाई ध्यान से देखिएगा। एक फंदा उतारेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, अब दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक, दो। अब ये जो एक फंदा है सीधा और ये तीन फंदे बुने हैं, इन्हें ट्विस्ट करना है। देखिए तीन फंदों को ऐसे आगे लाएंगे,
ये जो एक फंदा है इसे यहाँ लेफ्ट नीडल में करेंगे, इस तरह से रखेंगे। अब तीन का एक कर लेंगे ऐसे, फिर एक फंदा सीधा, फिर ये जो इस साइड जो तीन फंदे हैं इन्हें ट्विस्ट करेंगे इस फंदे के साथ। तो देखिए इस फंदे को एक जो है ऐसे ले लेंगे और ये तीन फंदे आगे लेके आएंगे ऐसे। लेफ्ट नीडल में लिए एक फंदा सीधा और ये तीन का एक करेंगे बैक साइड से ऐसे, इस तरह से। अब यहाँ पर दो फंदे सीधे, एक दो के एज को छोड़ के यहाँ से यहाँ तक जो रिपीट किए हैं वही बार बार रिपीट करेंगे। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, एक दो, ये ट्विस्ट करेंगे, तीन फंदे और ये एक, इस तरह से ऐसे लेके आएंगे। और आगे की तरफ से तीन का एक करेंगे, जो हमारे फंदे बड़े थे वो कम हो जाएंगे। फिर एक फंदा सीधा, अब इन फंदों को इस फंदे के साथ ट्विस्ट करेंगे ऐसे, इन्हें आगे लेके आएंगे और ऐसे ट्विस्ट करेंगे। अब जो बीच में लाए हैं फंदे को इसे सीधा बुनेंगे, जो एक के तीन बनाए थे ये बैक तरफ से तीन का एक करेंगे, दो फंदे सीधे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा नौ नौ फंदों का डिजाइन कंप्लीट हो गया है। बार बार यही रिपीट करेंगे, लास्ट में दो फंदे बचे हैं, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा बना लेंगे। अब फोर्थ रो, चौथी सिलाई, उल्टी तरफ से पहला फंदा उतारा, ये एक फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ये आठ फंदे हमारे उल्टे। फिर से रिपीट पैटर्न, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, आठ फंदे उल्टे, एक ये दो तीन चार पाँच छ सात आठ, लास्ट में दो फंदे बचे हैं, एक सीधा रहेगा और एक एज जो है उल्टा रहेगा। चौथी सिलाई कंप्लीट हो गई, पांचवी सिलाई, पहला फंदा उतारा, एक फंदा उल्टा बुना, एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब इस फंदे को इस फंदे के साथ ट्विस्ट करेंगे ऐसे। अब ये सीधा बुनेंगे, ये दो फंदे सीधे बना लिए, फिर दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक और ये दो। अब इस फंदे को इस साइड लेके आएंगे, तो पहले इस फंदे को इस तरह से आगे लेके आएंगे और फिर सीधा बना लेंगे ऐसे। अब इस फंदे को भी सीधा बना लेंगे, एक फंदा सीधा। तो देखिए इसमें क्या किया है, एक फंदा उल्टा है, एक फंदा सीधा, ट्विस्ट किए वो भी दो सीधे, बीच में दो सीधे, फिर ट्विस्ट किया दो फंदे वो भी सीधे, लास्ट का भी सीधा। तो आपने यही ध्यान रखना है ट्विस्ट कौन से करने हैं। तो देखिए एज को छोड़ के नौ फंदों का डिजाइन बार बार रिपीट करेंगे। फिर से देखें, एक उल्टा, एक फंदा सीधा, ये ट्विस्ट करेंगे दो फंदे ऐसे। जो तीन का एक किया था वो आगे लाएंगे इस तरह से, ये दो फंदे ट्विस्ट किए सीधे बना लिए, फिर बीच में दो फंदे सीधे, एक दो, फिर ये फंदा इसके साथ ट्विस्ट करेंगे। अब इन फंदों को सीधा बुनेंगे, एक दो, फिर एक फंदा सीधा, बार बार यही रिपीट करेंगे। लास्ट में दो फंदे बचे हैं, एक उल्टा है और एज जो है सीधा बुनेंगे। अब उल्टी सिलाई से सिक्स्थ रो, छठी सिलाई, पहला फंदा उतारा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, आठ फंदे उल्टे, एक दो तीन चार
5, 6, 7, 8 धागा पीछे, ये सीधा फंदा दिख रहा है, इसे सीधा बुन लेंगे, फिर 8 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लास्ट में एक फंदा सीधा और एज जो है इसे उल्टा बनाएंगे। तो देखिए 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं और हमारा डिजाइन भी कंप्लीट हो गया है। बार बार यही आपने 8 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। इस तरह से दिखेगा आपका डिजाइन। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें वीडियो को। थैंक यू।